ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। जितने हस्बैंड है ना, वो परेशान है कि भैया मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, और जितनी वाइफ हैं वो परेशान है कि भैया मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते। हम लोग में बहुत अनबन होती है, हमेशा बहस होती है, लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है। हम क्या करें, है ना? बहुत आसान सा उपाय है, बस एक झंडा आपको लेना होगा। छोटा सा उपाय करिएगा, आप लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, है ना? कैसे करना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम, वह है वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? चलो समझते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक झंडा जिसमें लिखा हुआ है जय माता दी, यह है माता का झंडा। इसी तरीके से या फिर ऐसे ही मिलता जुलता झंडा आप क्या करेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे, 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? ले लिया। लेने के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से एक मक्खन, बहुत छोटा सा मक्खन। आप मार्केट से जाओगे वहां पे भी खरीद लेना, छोटा सा मक्खन, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। लेने के बाद क्या करेंगे, इस मक्खन को, ये जो आपको झंडा यहां पर दिख रहा है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ कौन सा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस झंडे के साइड साइड में जो भी मक्खन आपने लिया है उस मक्खन को लगाएंगे, पूरे बीच बीच में मत लगाना, सिर्फ ऐसे साइड साइड में आपको जय माता दी का स्मरण करते हुए आपको झंडे के साइड साइड में ऐसे लगा देना, ठीक है? लगा दिया मक्खन, और उसके बाद इस तरीके से एक डंडी इसमें लगा देना जिससे आप कहीं पर लगा सकें। मक्खन लगाने के बाद क्या करेंगे, उस झंडे को आप किसी भी देवी माता के मंदिर में, है ना, कहाँ पर, किसी भी देवी माता के मंदिर में अगर आप लगवा देते हैं, उससे आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। आप जो भी कहोगे वो चीज पॉजिटिव वे में ली जाएगी, घर में आपकी इज्जत की जाएगी। ये बहुत सुंदर चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी नवरात्रि में की जाती है, चाहे मेन वाली जो नवरात्रि आती है चैत्र वाली, या फिर जो गुप्त नवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं। कोई सी भी नवरात्रि आए, पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी कोई भी लड़ाइयां आपके घर में नहीं होंगी, ठीक है? तो बहुत छोटा सा उपाय था, मात्र एक झंडा लगवाना था, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कोशिश की अच्छा समझाने की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं आपके भाई का चैनल है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ शेयर ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।